काउंसिल की मीटिंग में फैसला हुआ था, उनमें से एक का नाम वीर सावरकर और एक का सुषमा स्वराज के नाम पे रखा जा रहा है उसका नाम। तो अच्छी बात है, दिल्ली में दो नए कॉलेज खुल रहे हैं और दिल्ली के लोगों के लिए भी, देश के लोगों के लिए भी। दिल्ली विश्वविद्यालय एक बहुत शानदार अतीत वाला विश्वविद्यालय है जिसमें पढ़े हुए बच्चों की हर जगह एक इज्जत होती है, और दिल्ली में दो नए कॉलेज और खुलेंगे तो ये और अच्छी खबर है लोगों के लिए। सर, वीर सावरकर के नाम पर विवाद होता रहा है तो अच्छा है, किसी के नाम पर भी रखिए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिली तो किसी के नाम पे भी रखिए और अच्छा ही होगा। सर, बेरोजगारी की जहाँ पे बात करें, CMI का डेटा आया जिसमें कई ऐसे राज्य हैं जो डबल डिजिट में है बेरोजगारी दर में, उनमें से दिल्ली भी है। तो सरकार क्या कर रही है बेरोजगारी को कम करने के लिए, क्या आप लोग सफल हो पाए, जो कदम उठाए? देश भर में इस समय, दुनिया भर में कोविड की वजह से जो इकोनॉमी डाउन गई है उसका असर बेरोजगारी के रूप में भी देखने को मिल रहा है और आगे और मिलेगा। इसके लिए हमारी तरफ से गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई गईं उनका एक पॉजिटिव असर रहा है और उसकी वजह से किसी को रात को भूखे नहीं सोने दिया, ये सरकार ने जिम्मेदारी उठाई है। गरीब लोग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मजदूर जो अलग अलग सेक्टर में हैं, ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी चलाने वाले लोग, BPL के लोग, इन सबको थोड़े थोड़े समय समय पर सरकार ने अपने पास से, ख़ासतौर से लॉकडाउन के दौरान, कैश का सहारा भी दिया था कि उनकी रोजी रोटी चल सके, उनके घर का चूल्हा जलता रहे। और अब सरकार एक पूरा रोज़गार को लेके एक योजना बना के आई है, थोड़े दिन बाद उसको लॉन्च करेंगे ताकि एक तरफ अब जब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है तो लोगों को काम करने वालों की भी ज़रूरत है और उधर काम करने वाले खाली बैठे हैं, तो इन दोनों को मैच कराने के लिए सरकार बहुत जल्दी अब रोज़गार बाज़ार 2.0, जो हमारा पहले रोज़गार बाज़ार की स्कीम आई थी एक साल पहले, उसका बहुत सफल हुआ था, उससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया था। अब फिर से हम रोज़गार बाज़ार 2.0 पर काम कर रहे हैं और उसको बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में बेरोजगारी भी अगर बढ़ी तो बहुत तकलीफ वाली चीज़ है आम आदमी के। बिल्कुल, आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत का समय ही रहा है ये कोविड, और इसमें सरकार की ओर से जितनी मदद की जा सके, इसीलिए दिल्ली में केजरीवाल जी ने गरीब से गरीब लोगों के ऊपर कम से कम बोझ पड़े तो उनकी मदद के लिए, आज यहाँ उनको बिजली का खर्चा नहीं उठाना है गरीब परिवारों को, उनको पानी का खर्चा नहीं उठाना है, उनकी महिलाओं को अगर कहीं जाना है तो उनको बस का खर्चा नहीं उठाना है, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाना है, उनको इलाज का खर्चा नहीं उठाना है, तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, इन सब पर सरकार ने मदद की है कि किसी भी गरीब से गरीब आदमी को सर्वाइवल का संकट ना हो, सरकार उसके साथ। दिल्ली में कोरोना के बाद डेंगू और डंग दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है, क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, किस तरीके से देख रही है? लाइट ऊपर कर, डेंगू नियंत्रण में है। हमने जहाँ भी केसेस, जिस हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें देखा है कि कहाँ से कितने केसेज हैं, वो दिल्ली के कितने हैं, दिल्ली से बाहर के कितने हैं, तो अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है।